नमस्कार भैया, हम अशोक कुमार आप सबको स्वागत करतानी अशोक जेंट्स पार्लर में। भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बताने जा रहे हैं, जो आज के डेट में ठंडी के मौसम में जो समस्या हम सब के बीच में आई बा, समस्या ई है कि सभी लोगों को आज के डेट में क्या हो रहा है, स्किन जो है ड्राई हो जा रहा है, हम सबका चमड़ा जो है ड्राई हो जा रहा है। वो कैसे ठीक करल जाए, हम सबको एकरा पर बड़ी ध्यान देवे के बा। तो समस्या ई है कि हम सब नहाते हैं, धोवाते हैं अच्छे से, अभी के डेट में तो केमिकल युक्त बहुत सा सामान आ गई हो, जेकरा के हम लोग लगा के स्किन अपने आप जो है ना जो डेवलप करे के बाद तो आउट डाउन होता। तो समस्या ये हो, तो अभी नेचुरल तरीका से हम एक चीज़ आप सबको बता रहे हैं भैया, जो ये ध्यान से आप सब सुनो भाई। देखिए क्या हो, नारियल तेल हो, जेकरा के हमने के स्किन पर लगा के स्किन के चमकदार बनावे के पड़ी। ये जो नारियल तेल हो बहुत ही एकदम कारगर हो हम लोगों को चमड़ा के चमकावे खातिर, स्किन कहल जा या तो चमड़ा कहल जा, हम लोग देहाती भाषा में चमड़ा भी बोलेला तो चलेला, तो सबसे बढ़िया हो ये हम लोग स्किन के चमकावे खातिर। तो सबसे यही उपाय हो कि हम जब भी नहाए हम सब भैया, तो सबसे पहले जो है ना नारियल तेल को लीजिए और उसको हल्का गर्म कर दीजिए। आ गर्म कैला के बाद भैया पता हो, इतना गर्म ना कर दे कि मतलब हाथे जल जाए, ताकि सह सकी हम सब। और ओकरा के लेके हल्के हाथ से धीरे धीरे उसको बढ़िया से मालिश करी भैया, जो हम बहुत सा लोग के देखम देखे हैं हम भैया, हमारा दुकान में बहुत सारे लोग आते हैं पार्लर में हमारा, तो बोलता है सभी लोग हमारे मित्र हमारे कि स्किन में अशोक भाई हमार देख तरह का हो गई। हमने का हो गई भाई, तो है जो है ना पपरा पपरा टाइप के कवरे लागेला, रुख दिखेला, तो का हो हमने की स्किन जो है ड्राई हो गई, यानी सूख जाला नू, तो ऑयली चीज ना लागेला जिसके वजह से वो ड्राई हो जाला। तो ओकरा हमने के ठीक करे के बहुत बढ़िया ही निकाले हैं घरेलू उपाय, जो कि बेस्ट क्वालिटी हो एकदम। नारियल तेल भैया लगाएं पूरे बॉडी में, जो हमने के फेस में बहुत सा ऑयली समझिए रहे हैं आप सब, बहुत सा क्रीम आ गया है जो आप लोग हम लोग लगा लगा पोत पोत के स्किन को मतलब ही कर लेते हैं। लेकिन भैया अब जमाना गोइल, अभी जमाना जो हो नेचुरल यूज करी और स्वस्थ रही और स्किन भी ठीक रही हम लोगों का, और चमकदार एकदम झकास रही रे भैया एकदम। सच बोला तानी, अब एक बार ट्राई करी, और ट्राई का मतलब लगाई रेगुलर लगाई एकदम, ये सच हो स्किन के अगर चमकदार बनावे के हो तो ये नारियल तेल लगावे के हो, और बढ़िया से लगाई एकदम बढ़िया से मालिश करी, फेसो में लगाई बालों में लगाई, चमकदार एकदम बाल बनी, बाल भी एकदम शाइनिंग रही, और हमने के गाल जो है ना गाल रुखर रुखर मर्दे लागे ला हो, तो ये सब चमड़ा जो है ना एकदम चिकना लागे एकदम चमकदार, जैसे लागे एकदम एकदम बौरता उस टाइप के लागे। लेकिन हाँ रेगुलर यूज करी बहुत काम के चीज हो। ठंडी में तो हम लोग सरसों तेल लगेबे करी ना, लेकिन ये जो है ना चमड़ा के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन के लिए एकदम चमकदार बना दी, एकदम शाइन दी स्किन हम लोगों का, पूरे बॉडी में लगाएं, लेकिन उसको हल्का गुनगुना कर दी गर्म टाइप का, ताकि उसको लगाएं आराम रहे, काहे कि ठंडी के दिन में जम जाला भैया, रीजन यू हो। लेकिन ये हो कि जो एक में आवेला लूज यानी कि तुरल रहेला भैया एकदम ठंडियों में ना जमेला, तो वो तो उसमें केमिकल डाल के भैया बनावल रहला हूँ, इसके वजह से थोड़ा आई रहला। लेकिन हम यही कहम कि नारियल तेल जो जम जाला ना भैया वो वाला लगाए एकदम बढ़िया रही, और उसको हल्का गर्म कर दी, आ गर्म कैला के बाद बढ़िया से पूरे बॉडी में एकदम मालिश करी, डेली यूज करी भैया डेली, एकदम जो है ना चेहरा चमकदार रही एकदम,
नहाई धोवाई और बाद बढ़िया से भैया उसको लगाई बढ़िया एकदम फ्रेश एकदम टनाटन रही स्किन चमकत रही भैया एकदम समझली नु। और हमारा वीडियो के शेयर करी कहे कि बुझते बानी कि और लोग के भी जानकारी मिले के चाहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब जरूर करो कहे कि हम आप सबका बीच के एक छोटा भाई बानी छोटा कहीं भैया या बड़ा कहीं अगर बच्चे लोग हैं तो भाई छोटा है बड़े हैं तो बड़े हैं भैया इसलिए आप सबका तो आशीर्वाद हमारा मिले के चाहिए। बस विशेष ना कहम कुछ बाकी एकरा यूज करी स्किन के बनावे के चमकदार आ बने के बाद सुंदर तो लगाई नारियल तेल कहे कि रही चीज चेहरा चमकदार बाकी आप सबको धन्यवाद।